बुझ गया दीपक, हंसाने वाला आज रुला के चला गया। छत्तीसगढ़ फिल्मों के सुप्रसिद्ध कलाकार दाऊ मंदराजी, राजकीय सम्मान से सम्मानित शिव कुमार दीपक का 25 जुलाई को सेक्टर 9 हॉस्पिटल में 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। शिव कुमार दीपक ने 250 से अधिक छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी, मालवी, हिंदी, अफगानी फिल्मों में काम किया था। श्री दीपक पिछले एक माह से अस्वस्थ होने के कारण सेक्टर 9 हॉस्पिटल में भर्ती थे, जहां उन्होंने गुरुवार को आखिरी सांस ली। उनकी अंतिम यात्रा 26 जुलाई दोपहर 12 बजे निवास स्थान से निकली। अंतिम संस्कार पोटिया कला स्थित मुक्ति धाम में किया गया। प्रारंभ से ही नाचा नाटक आदि से प्रभावित थे उन्होंने। खैरागढ़ निवासी रमाकांत बख्शी का एकल अभिनय देखकर इतने प्रभावित हुए कि वे उनको गुरु बना लिए और उनसे आशीर्वाद लेकर एक पात्रीय अभिनय करने लगा। पहला एक पात्रीय अभिनय जीवन पुष्प बनाया, जो काफ़ी सफल रहा। सन 1958 में अखिल भारतीय युवा महोत्सव नागपुर में प्रदर्शित हुआ, जिसके मुख्य अतिथि प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उन्हें पंडित नेहरू ने सम्मानित किया और दीपक नाम से पद प्रदान किया। तब से उनके नाम के आगे दीपक शब्द का उपयोग होने लगा। 1965 में प्रथम छत्तीसगढ़ी फिल्म घर द्वार में उन्होंने चरित्र भूमिका निभाई। दाऊ रामचंद देशमुख द्वारा निर्मित चंदेनी गोंदा में हास्य भूमिका निभाकर काफ़ी चर्चित हुए। वे दाऊ महासिंह चंद्राकर के सोनहा बिहान लोक कलामंच से जुड़कर लोरिक चंदा जैसे नाटक में जीवंत भूमिका निभाई। बाद में लोरिक चंदा के प्रदर्शन इलाहाबाद, टाटा, मुंबई, जमशेदपुर, कलकत्ता, मद्रास, नागपुर, बनारस जैसे बड़े बड़े शहरों में हुआ। छत्तीसगढ़ी फिल्म मोर छैया भुइयां, मया दे दे मया ले ले, परदेसी के मया, मोर मया के मारे आदि सफल फिल्मों में उन्होंने अपनी भूमिका निभाई थी और छत्तीसगढ़ शासन द्वारा उन्हें पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई किया गया। हेलो हेलो हेलो, अरे यार ये हूँ साले बेटी ऋषि लागे का रे सर, मैं हाँ एक बहुत टैलेंटेड लड़का लाने हूँ। अबे ये काम छोड़ के कहाँ किन जा रहा है? ये सेठ तेरा बाप बनाएगा उल्लू कहीं कहीं। सर वो का है सुनो ना, ये काय मोर ननपन के संगवारी है, जैसे आप चाहत हो उसने से बहुत टैलेंट है कर में। आंखें नहीं दिख रहा है क्या बे? हम इधर कितने बिजी हवन तेला है और बीच में साला मगज बारी करता है निपोर। सर आप फिल्म बनाए बनाए हो का? नहीं तो क्या थरहा लगाने आए हैं बे? बात करता है साले खसवाहा। घुसियाओ जहां साहब, मैं तो बस इसने पूछ पा रहे हूँ। वैसे काना हो पिक्चर के बिहाओ देवदास की छत्तीसगढ़ी फिल्म सिनेमा स्कोप 70 mm के, समझे? देवदास के बिहाओ? हे सर, देवदास के बिहाओ नहीं हो रही से, वो तो इसने डेढ़वा मर गई से। अरे यही पाएगा तो पिक्चर फ्लॉप हो गया रे, और 50 करोड़ रुपया पानी में धड़ाधड़ बहा गया। मगर नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। अपना पिक्चर को सिल्वर जुबली मनवाएंगे और देवदास का हम बिहाव कराएंगे। आप तो बहुत पहुंचे हुए डायरेक्टर थे साहब, का सोच है आपके? वैसे आपके नाम का है? हमको नहीं चीनता है बे, बता बे हमारा नाम। घासीराम भंसाली, संजय लीला भंसाली के बड़े भाई, समझ लिए? वाह साहब वाह, अब आपकी फिल्म में हीरो हीरोइन कौन कौन है? बारूक खान और खसूरिया है, और एक नया लड़का लेने का और सोच रहे हैं हम लोग। बारूक खान खसूरिया राय, ये नाम तो मैं पहली बार सुना था साहब। अरे अमिताभ बच्चन को कौन जानता है, है? तू वहाँ खड़े खड़े क्यों टाइम पास कर रहा है रे? फोन करो, गाड़ी बुला। कलाकार बोला अपन पिक्चर में थोड़ा सा चार्ज देते हो तो बड़ा अच्छा रही साहब। देखो तुम करके गाड़ी मंगाओ यार। सर एक छोटी सी प्रॉब्लम। सर क्या प्रॉब्लम आ गया यार? वो कहा है अभी अभी हाँ। ड्राइवर ने फोन किया था हाँ। कि मैं सांझ होते नहीं पहुंच सकता। सब मूड खराब कर दिए तुम यार। अरे उस गाड़ी में पैसा है, अब मेरे को कल शूटिंग करना है,
तमाशा लगा दिया तुम लोग, आगे की शूटिंग कैसे करूंगा मैं? ओ, सर, सर, मैं कुछ आपके थोड़ा सहयोग कर सकते सर? तुम क्या सहयोग करोगे? नहीं सर, मोर पास में मोर घर है सर, आप कुछ चाय पानी पर थोड़ा सा चलते हो साहब। अरे क्या चाय पानी पियेंगे यार, सब मूड खराब हो गया, चाय पानी पिला रहे हो। प्लीज सर, प्लीज सर। हमको